हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकर सिविलियन। बेसिकली आज के वीडियो में बताने वाला हूँ एक पाइल फाउंडेशन के। जब मैंने क्रॉस सेक्शन के बारे में पूरा बताए थे तो उसमें एक मेरे भाई वो कमेंट किया था कि सर उसका जो अंडर रिम पाइल होता है उसका वॉल्यूम बताए। ठीक है, तो मैंने रिप्लाई किया था कि ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल में आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो व्यूअर्स के जो डिमांड होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज उसी के टॉपिक में बात करने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं उसी दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे मतलब वॉल्यूम ऑफ अंडर रिम पाइल का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा इसका जो डाया है मेरा वो कितना है, 300 mm, मतलब 12 inches। ठीक है, और ये अंडर रिम का जो मेरा डाया है वो कितना है, 15 inches। ये मेरा कितना है, 15 inches। ठीक है, इसका भी वही है। इसका मैं सबसे मेरा डायामीटर स्मॉल डी मेरा कितना होगा, डायामीटर ऑफ पाइल वो मेरा कितना है, 300 mm, व्हिच इज इक्वल टू 0.3 meter। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। उसके बाद मेरा कैपिटल डी डायमीटर ऑफ पाइल हुआ स्मॉल डी, कैपिटल डी मेरा डायमीटर ऑफ अंडर रिम पाइल, अंडर रिम पाइल मेरा कितना है, 30 inches। 15 inches, ये 15 inches, 30 inches। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 76.2 centimeter आएगा, which is equal to 762 mm, which is equal to 0.762 meter। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया इतना। उसके बाद लेंथ ऑफ द पाइल, मैं लेंथ ऑफ द पाइल यहाँ पे कितना पक रहा हूँ, लेंथ ऑफ द पाइल मेरा है 10 meter। इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और हमको क्या चाहिए, बस इतना अगर डाटा मिलने से मेरा काम हो गया। नंबर ऑफ एन क्या है, अंडर रिम पाइल कितना ठो है, एक ए हो गया, उसके बाद एक दो हो गया। ठीक है, अंडर रिम पाइल नंबर ऑफ अंडर रिम पाइल कितना है, 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको ये इसका जो वॉल्यूम निकालने के लिए एक फार्मूला है, मैं वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर वो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखें, ये बाकी इसका कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो वॉल्यूम ऑफ अंडर रिम पाइल, उसके बाद मेरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, इनटू लेंथ स्मॉल डी स्क्वायर 0.4 इनटू एन नंबर ऑफ अंडर रिम पाइल इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा फार्मूला है इसका, इसमें आप डालो आंसर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें पाई बाय 4, लेंथ मेरा 10 meter, इंटू स्मॉल डी कितना है, 0.3 square प्लस 0.4 इंटू एन कितना है, 2, 1 के 2। कैपिटल डी मेरा कितना है, 0.762 square माइनस 0.3 square इंटू 0.762 माइनस 0.3। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा मेरा, 0.848 meter cube। ठीक है, इतना हो, इतना मेरा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ रहा है इसमें,
कितना मीटर क्यूब मेरा कंक्रीट आ रहा है इस अंडर रिम पाइल के लिए। अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसका, ये तो ये मेरा इसको अंडर रिम को छोड़ के ये मेरा सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल शेप है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू लेंथ कीजिए। इस वैल्यू से मेरा जहाँ तक क्या आएगा उसका कम आएगा, ठीक है 0.7 समथिंग आएगा, और ये पोर्शन में जो कंक्रीट आएगा ऑब्वियसली उसमें बढ़ेगा। तो इस हिसाब से इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आज के वीडियो लेके इतना, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में इसका ये जो अंडर रिम बल्ब क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को मिस ना करें, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ गाइज हिट द लाइक बटन। आप लोग को कैसे लग रहा है इस वीडियो से, आप कुछ सीख पाए कि नहीं पाए, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।